एक्सेल की मल्टीपल वर्कबुक को सिंगल फाइल के अंदर हम कैसे मर्ज करते हैं। अभी यहाँ पर ये हमारे पास चार फाइल्स हैं, इनको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। इस फाइल के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, इस फाइल के अंदर हम कैशबुक मेंटेन कर रहे हैं, ये हमारी नेक्स्ट फाइल है, इस फाइल के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, इसके बाद ये हमारी लास्ट फाइल है, इस फाइल के अंदर हमारे पास दो शीट हैं। पहली शीट है जिसमें हम बिल ऑफ एंट्री मेंटेन कर रहे हैं, सेकंड जो फाइल है उसके अंदर हम इनवॉइस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी फाइल्स हैं वो एक सिंगल फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन हम प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F11 तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड मॉड्यूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब जो यहाँ पर ये हमारा कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। इस कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोड को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। अब जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स हैं उस फोल्डर का लिंक हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स हैं इसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे, फोल्डर का लिंक हमारे सामने आ जाएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। दोनों कोड्स के बीच में फोल्डर का लिंक पेस्ट होना है। अब जो लिंक हमने पेस्ट किया उसके लास्ट में हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम एक सिंगल बैकस्लैश लगा देंगे। अब इस कोड को रन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं F5। कोड रन हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी फाइल्स थी वो सब फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं।